उसका नाम बता दें। सुमिक्षा। सुमिक्षा, जन्माष्टमी को लेकर बहुत बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, इस बार खास क्या आपकी दुकान में? इस बार तो डिमांड है हमारे यहाँ झूले की, और मिट्टी के खिलौने बहुत ले जा रहे हैं इस बार सब, झांकियां सजाने के लिए, अपने घर में झांकी सजाने के लिए, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से सजाने की तैयारी कर रहे हैं सब। लोगों की तादाद कैसी आ रही है? अब तो देखिए, जैसे शाम हुई है तो जो है स्टार्ट हो गए हैं, अब कल का लोग संडे का ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि पूरा दिन फ्री रहेंगे तो कल अपना शॉपिंग करेंगे। इस बार दुकान में खास क्या है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है? इस बार गोपी सेट सब लोग ले रहे हैं, और ये वासुदेव ले रहे हैं, झूला ले रहे हैं, और मतलब जितना ये झांकी में सजाने वाला सामान है, भले छोटा ही छोटा ले रहे हैं छोटी झांकी के लिए, पर ले रहे हैं। घर में सजाने के लिए 10 सामान नहीं तो 4 ले ही रहे हैं। तो लड्डू गोपाल को सजाने के लिए कहीं ना कहीं लोग अपने जेब पर नहीं असर देख रहे हैं। हाँ, ये चीज है, ये चीज तो है, मतलब सब सजाने के लिए कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार त्योहार आता है, इंसान राखी पे दिवाली पे अपने लिए कपड़े खरीदता है, तो वैसे ही उनके लिए भी ये त्योहार है, तो इसमें उनके लिए पूरा विशेष ध्यान रख रहे हैं सब चीजों का, उनकी ज्वेलरी का, उनके जूतों का, चश्मों का, छड़ी है, सिंहासन है, चार चार पांच पांच जोड़ी जैसे अपने लिए लेते हैं लोग, वैसे ही ले रहे हैं उनके लिए, माला ले रहे हैं, बास्केट ले रहे हैं, मटका है ये उनके माखन के लिए, ये ले रहे हैं, सब चीज ले रहे हैं। तो मामला गांव में ही दुकानें बहुत हो गई है। अपना नाम बता दें। अमित यादव। अमित जी, आप अभी खरीदारी करने आए हैं, झूला देख रहे थे, जन्माष्टमी की कैसी तैयारी हो रही है, क्या क्या खरीदे आपने? लगभग अभी तक तो सब कुछ खरीद लिया है मैंने, झूला रह गया था तो मैं झूला लेने आया हूँ, बाकी और भी कुछ कुछ चीजें हैं मेरी, तो लगभग ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है पूरी, काफी एक्साइटेड भी हूँ, तो है बस चल ही रहा है। हमने कैसा उत्साह है झूले को लेकर, कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी? एक्चुअली झूले को लेकर के चर्चा तो है ही है, फिलहाल लेना ही था और तो लिया है, थोड़ा छोटा हो गया था काफी, तो पुराना भी हो गया था, तो फिर इसलिए बड़ा थोड़ा लेना था तो फिर ले लिया। इस बार जन्माष्टमी को खास कैसे मना रहे हैं, घर वाले मिलकर मनाते हैं, कैसी तैयारी है सबकी? नहीं नहीं, हम पूरा घर मिलकर के तैयारी करते हैं, पूरा फैमिली मिलते हैं, सब लोग आपस में मिलकर तैयारी करते हैं, मेरी फैमिली भी काफी एक्साइटेड रहती है सब चीजों को लेकर के, तो और सबका बराबर बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, कोई फूल खरीदने जाता है, मैं ड्रेस लेने आया हूँ, तो कोई स्वीट्स बनाता है, तो सबका काम डिवाइड रहता है, सब अपना अपना इस तरीके से करते हैं, बस ऐसे ही।
मेरा नाम पूनम त्रिपाठी है। मैम आप बाजार करने आई हैं जन्माष्टमी को लेकर, कैसी तैयारी है, क्या खरीदारी कर रहे हैं? अब खरीदेंगे लड्डू गोपाल के लिए मूर्ति खरीदेंगे, नया उनके लिए कपड़े खरीदेंगे, मुकुट खरीदेंगे, बंसी खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे, मतलब लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जो जिसकी जैसी क्षमता है तोरण वगैरह खरीदते हैं, घर को सजाते भी हैं, तो मतलब उत्साह तो होता है जन्माष्टमी का। और हमारे सनातन में तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार तो लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो लोग व्रत भी रखते हैं, बहुत सारे खाने में बहुत सारा पकवान भी बनाते हैं लड्डू गोपाल के लिए, तो हम लोग यहाँ तो मतलब बहुत अच्छे से घर पे मनाया जाता है। लड्डू गोपाल के लिए विशेष क्या ले रही हैं आप, जो कई सालों से आपने सोचा हो या जन्माष्टमी के पहले से आपने सोच रखा हो? नहीं, हमने तो हमारे यहाँ तो हमेशा कृष्ण जी की तो हम लोग पूजा करते हैं, मतलब हम तो घर में पीतल की मतलब मूर्ति रखे हैं राधा कृष्णा की, और लेकिन जैसे त्योहार आता है जैसे गणेश लक्ष्मी आती है तो नई मूर्ति लेते हैं, वैसे जन्माष्टमी तो में भी वस्त्र लेने आई है क्या अभी? नहीं, अभी तो हम वस्त्र नहीं ले रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं अगर कुछ अच्छा लगेगा तो वस्त्र लेंगे, नहीं तो लड्डू गोपाल की एक छोटी सी सोच रहे मूर्ति लेने के लिए, तो एक गाय मतलब गाय और बछड़ा तो कृष्ण जी का लिए लेने के लिए मतलब हम लोगों का प्लान है। मार्केट में रौनक दिख रही है, खास क्या दिख रहा है इस बार? क्यों नहीं दिख तो रही है, अभी आज तो कम दिखेगी, कल और ज्यादा दिखेगी, कल परसों क्योंकि त्योहार है जन्माष्टमी का, तो कल लोग आज जो ड्यूटी पे होंगे कल फ्री हो जाएंगे, तो कल अच्छे से वो और अच्छा बाजार करेंगे, तो ये सब है। तो मतलब त्योहार तो लोग हमारे यहाँ तो मनाते ही मनाते हैं, मतलब बढ़िया से मनाते हैं। आपका नाम बता दें? कल्लू सोनकर। सर आप जन्माष्टमी को लेकर तमाम चीजें बेच रहे हैं, लोगों में कैसा उत्साह देखने को? लोगों में उत्साह बढ़िया होता है भैया, त्योहार है ये, जन्माष्टमी का त्योहार होगा और आदमी गांधा जी के लिए एक से कपड़ा, एक से माला, उनका वस्त्र वगैरह पूरा बहुत आया हुआ है कांधा जी का, और एक से कदम कांधा जी का आया हुआ भैया, और झूला क्या सबसे खास है? सब खास क्या है, कांधा जी का जन्म का जो होता है आदमी को झांकी सजाता है, एक से एक सामान लेके आके सजाने वाला सामान ले जाता है, झांकी बनाता है बढ़िया कांधा जी के लिए, उनका बिस्तर इस तरह है, और उनका बहुत बहुत मेल कैडम आए हैं कांधा जी के लिए उसमें सजाने के लिए। सबसे ज्यादा डिमांड क्या है झूले को लेकर? तमाम नहीं भाई, वरायटी है झूले की, वरायटी है, इनका बेड वगैरह आया है, बिस्तर वगैरह आया है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आई हुई है, और एक से एक माला आए हुए हैं, सजाने वाला आइटम आया हुआ है। तो क्या लोग पूछ पूछ के डिमांड कर रहे हैं? नहीं, पूछ पूछ के आदमी, जो आदमी जिसको जो 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 आदमी जो आदमी लेता है, आदमी बहुत आदमी हर मेल पूरा सजाने वाला आइटम ले जाता है, झांकी बनाता है, झांकी लगाता है घर के अंदर, सजाता है अपना, सब लोग मिलकर अपना पूरा उस त्योहार का पूरा सेलिब्रेटिंग करते हैं। सामान खरीदते हुए सर अपना नाम बता दें? जयप्रकाश चतुर्वेदी। सर आज खरीदारी करने पहुंचे हैं, कितना उत्साह है? देखिए कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव, जहाँ जहाँ भी समाज रहता है सारे विश्व में भगवान कृष्ण को आदर्श रूप के एक पूजा पाठ भक्ति भाव के साथ और एक अपने कृष्ण के आदर्श के रूप में ये सारा समाज जन्माष्टमी उत्सव में सम्मिलित होता है, तो इसको धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी
देख करके ये प्रेरणा हमको मिलती है कि युगों युगों से भगवान कृष्ण ने जो इस प्रकार का लीलाएं की उसके आधार पर आज भी उनके स्मरण में ये सारा उत्सव समाज मनाता है। तो ये तो बहुत समाज हिंदू समाज के लिए बहुत एक तरह से गौरव की बात है। भगवान कृष्ण राम क्या खरीदा है आपने? हमने कृष्ण भगवान की मूर्ति खरीदी है, सजावट कराई यहाँ। मार्केट में क्या खास लग रहा है आपके मुताबिक? यहाँ विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के भगवान के स्वरूप के रूप में मूर्तियाँ हैं, मालाएँ हैं, साज सज्जा का सामान है, पूजन सामग्री है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। घर में क्या तैयारी है इस बार? घर में व्रत रखते हैं लोग, सभी पूरे परिवार के लोग व्रत रखते हैं पूरे उत्साह के साथ। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक भी इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। बच्चे झांकियां तैयार करते हैं, वो कृष्ण भगवान राधा कृष्ण का स्वरूप तैयार होता है घर में, और गली गली में गूंज है भगवान के जन्माष्टमी को लेकर के। आपका